नमस्कार दोस्तों, जॉब वाले बाबा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ पे बिहार ICDS जो गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का, MTS और वेरियस पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। 10वीं पास आप आवेदन कर सकते हैं, तो पूरा डिटेल इस वीडियो में रहेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि महिला विकास बिहार की तरफ से एक बहुत अच्छी भर्ती आई, भर्ती अलग अलग प्रकार के पदों निकाली गई है। ये पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी पूर्वक पढ़ सकते हैं आप। देखिए, यहाँ लास्ट डेट अप्लाई है 20/11 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया बताया जा रहा है, यहाँ पे बायोडाटा व फोटो वांछित प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पर आमंत्रित किए गए हैं। जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS अररिया के पते पर आप निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। सख्त कार्य के समय से मूल जो शैक्षणिक आपको अनुमान प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। देखिए, यहाँ पे क्या है, कैरी सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर कम प्रोजेक्ट मैनेजर का एक है, केस वर्कर काउंसलर का दो है, IT स्टेशन का एक है, मल्टीपर्पज हेल्पर का दो है, सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट दो है। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए सेंटर एडमिशन कम प्रोजेक्ट मैनेजर का यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ प्रशासनिक ढांचे में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को 5 साल का अनुभव होना चाहिए, जो NGO में काम किए हों, सामाजिक कानून की डिग्री, मास्टर डिग्री होना चाहिए सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, और केस वर्कर काउंसलर के लिए कम से कम 3 साल का अनुभव होने, सामाजिक कार्य में कानून की डिग्री, पासना तक या किसी सरकारी गैर शैक्षणिक परियोजना में या कार्यक्रम में महिलाओं के लिए हिंसा पर काम कर रहा हो, तो पूरा डिटेल आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर IT में IT असिस्टेंट के लिए स्नातक और डेटा प्रबंधन पर आधारित रिपोर्टिंग पर रूपो वीडियो कॉम्पिटिशन राज्य जिला गैस न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो। देखिए, यहाँ बताया जाए मल्टीपर्पज पे हेल्पर की, जो व्यक्ति साक्षर रूप से सहायक चपरासी आदि के रूप में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव हो, और सिक्योरिटी गार्ड के लिए किसी सरकारी प्रतिनिधि संगठन सुरक्षाकर्मी के रूप में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो, सम्मानित सर्विंग कर्म होनी चाहिए, पुलिस सत्यापन पंजीकरण के बाद उसे काम पर रखा जाएगा। देखिए, मैक्सिमम एज लिमिट देखिए 37 ईयर है, और फीमेल के लिए 40 ईयर्स है, BC 40 ईयर्स, SC 42 ईयर्स। देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, PDF के ऊपर में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गया होगा, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए दिया हुआ है, और वीडियो से कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ पर आपका खुल रहा है संग्रहालय अररिया में जिला प्रोग्राम कार्यालय, बताया जा रहा है, यहाँ देखिए PDF फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गया होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, और YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर को भी लाइक एंड फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, Facebook पेज पर देख रहे हैं फॉलो कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।